ग्वालियर जिले में स्थित पुराने जयारोग्य अस्पताल में बीती देर रात जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि JAH मिल्क पार्लर पर कुछ लोग शराब पी रहे थे और जब मेडिकल स्टूडेंट्स ने उन लोगों को शराब पीने से रोका तो शराब पार्टी कर रहे लोगों ने GRMC के मेडिकल छात्रों की गाड़ियां तोड़ी और कार से फरार हो गए। इस घटना से खफा होकर जूनियर डॉक्टरों ने चक्का जाम किया, जिस पर देर रात पुलिस अफसरों ने कार्रवाई की और भरोसा दिया, तब मामला शांत हुआ। ग्वालियर से योगेश बिसरिया की रिपोर्ट। जब हमारा जो गंगा हॉस्टल, जहाँ की जो दो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर, वहीं पर कुछ असामाजिक तत्व वगैरह वहाँ पर दारू के नशे में आकर जो उधम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो मिल्क पार्लर है उसके साथ तोड़फोड़ की वहाँ पे दुकान पे और उसके साथ मारपीट की। उसके बाद जब कुछ मेडिकल छात्र वगैरह आए वहाँ पर तो उन लोगों को वहाँ से भगाया गया, तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए। लेकिन फिर उसके बाद जब हमारे कुछ मेडिकल छात्र यहाँ बाहर आ रहे थे तब उन लोगों ने उनको देख के पकड़ के मारा है, उनकी गाड़ियां फोड़ी गई हैं, उन सभी छात्रों को मारा गया है। इसी प्रकरण के दौरान जब पुलिसकर्मी वहां पर आए तो उनमें से एक पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में था, जो कि पुलिस की वर्दी में नहीं था, और एक पुलिसकर्मी हेलमेट लगाए हुए था। उन दोनों पुलिसकर्मियों ने हमारे कुछ मेडिकल स्टूडेंट्सों के साथ मारपीट की, उनको धक्का मारा, उनको मारा है। हम लोगों की यही मांग है कि उन दोनों पुलिसकर्मियों के नौ जो घटना जिनके साथ घटित हुई उन दोनों का सस्पेंशन किया जाए। उसके अलावा जो भी जो असामाजिक तत्व थे उनका मेडिकल कैंपस में, क्योंकि वहाँ पर अस्पताल भी है, तो वहाँ पर उनका आना वर्जित किया जाए। उसके साथ ही जिन्होंने आज ये घटना की है उन सभी पे FIR की जाए। यहाँ मेडिकल कॉलेज के कुछ जूनियर डॉक्टर्स हैं और यहाँ आमगो के कुछ लड़के थे, इनके बीच में विवाद हुआ, इस पर से कैंटीन के लड़के की मारपीट हुई और उस पर पुलिस रोकने के लिए गई तो इनका एक आरोप पुलिस के प्रति ये निकल के आया कि कुछ पुलिस वालों ने भी इनकी तरह व्यवस्था की है। हमने उनके मैटर को संज्ञान में ले लिया और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं।